आज आपको पर्यावरण दिवस में ढेर सारी शुभकामना, और मैं आशा करता हूं कि हमारा सबका कर्तव्य है और धर्म भी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेते हैं और योग साधना करते हैं। ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये जैसे कि पद्मासन योग साधना चल रहा है, आसन चल रहे हैं, प्राणायाम चल रहे हैं, ये तभी इंसान ये सारे साधना आसन काम कर सकता है व्यक्ति, जब उसका पर्यावरण वहाँ का पर्यावरण शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, मिट्टी शुद्ध होगी, वायु शुद्ध होगा, तभी जाके हमारा शरीर शुद्ध हो सकता है। तो शरीर शुद्ध होने के लिए हमें क्या करना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। तो पर्यावरण को स्वच्छ तभी रहेगा जब हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके सब लोग प्रतिज्ञा करें कि हम अपने आसपास के जल को दूषित नहीं होने देंगे, हम पौधे लगाएंगे, मिट्टी को दूषित नहीं होने देंगे। जब सभी लोग संकल्प लेंगे तब जा कर के इतने बड़े इस जंग से जीता जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण से। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम एक छोटा सा संदेश लेकर आए हैं मिट्टी को बचाने के लिए। मिट्टी की जैविक क्षमता खत्म होती जा रही है, अगले 40 सालों में मिट्टी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो इसके लिए हमें बहुत इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। इसके लिए सदगुरु जग्गी वासुदेव ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, और वो 27 देशों की यात्रा बाइक पर करते हुए अब फाइनली अगर हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं और साथ में संकल्प लेते हैं कि आज से हम पेड़ लगाएंगे, जल को शुद्ध रखेंगे और हवा को शुद्ध रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।